ये जो क्या विज़न है आपका और क्या करना चाहते हैं खास तौर से, ये पूरा मिशन क्या है आपका विज़न? देखिए, ये विजन 2040 एक प्रोग्राम है अगला 25 साल में, जो हम लोगों ने केरला में पिछला 50-60 साल में हासिल किया मुस्लिम कम्युनिटी, अगर यूपी में वो अगला 25 साल में हो सकते हैं। इसके लिए एक प्लान बनाया है हम लोग, उसमें ज़्यादातर एजुकेशन में कॉन्सेंट्रेट करके, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एज वेल एज सोशल एंड रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब में एक साथ काम करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। लेकिन उसमें से एक प्रोजेक्ट ये है विजन इंटरनेशनल एकेडमी। जो विजन इंटरनेशनल एकेडमी जो फुलत में हमने शुरुआत किया है, वो वैसे तो ये मदरसा से पास आउट होकर आने वाला हाफिज बच्चों के लिए किया है। देखिए, ये हाफिज बच्चा, उनको एकदम कम्युनिटी नेगलेक्ट करके रखा है, उन लोगों को इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा है, उन लोगों का मेमोराइजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। एक घंटे में वो लोग 50 वर्ड्स तक मेमोराइज कर सकते हैं। एक हफ्ते में हमने टारगेट रखा है 1,500 वर्ड्स मेमोराइज करने के लिए। इसी हिसाब में 15-20 दिन में एक क्लास का पूरा कोर्स वो लोग कंप्लीट करते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर 9 महीने में ये हाफिज बच्चा जो हमारा पास आया, उनको जो कुछ भी नहीं जानते थे अदर देन बाय हार्टिंग कुरान, उनको कुछ नहीं जानते, वो लोग 9 महीने में 9वां क्लास तक का CBSE सिलेबस या NCERT का किताब पूरा। ये पूरा जो आपका कोर्स है ये CBSE से रिकॉग्नाइज है, उसी के तहत ये पूरी आपकी चल रही है। यूपी में आपने शुरू किया है, क्या केरल में पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ है इसको? नहीं, केरला में ये इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केरला का मुसलमान का एजुकेशन में बहुत आगे आ गया है, लेकिन यूपी में अभी भी बहुत पीछे है। ये जो हमने अभी शुरुआत किया यूपी में, इसमें हम लोग CBSE स्टैंडर्ड रख के शुरू किया है। हमारा पहला बैच तो ओपन स्कूल इसमें जाएगा, नहीं तो CBSE में, अगले साल से CBSE का इसमें ही जाएगा। ये वर्क कर रहा है आपका? हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये उठाई जाती है मदरसों के ज़रिए, बार बार कहा जाता है कि मदरसों के साथ साथ दुनियावी तालीम नहीं देनी चाहिए, इसका विरोध किया जाता है, तो उसको किस तरह से देखें? वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में दीन और दुनिया में कोई कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, इस्लाम में एक गोल्डन पीरियड था स्पेन में, उसी ज़माने में हर इंसान, हर दूसरा इंसान, सेकंड पर्सन वॉज ए हाफिज ए कुरान, जो हाफिज ए कुरान था, क्योंकि उधर जो वेदर इट इज़ ए साइंटिस्ट और ए क्लीनर, दोनों में हाफिज बहुत थे। तो दीन और दुनिया अलग नहीं था, दीन और दुनिया तालीम दोनों मिलकर करते थे।